dear students, in this module we are going to discuss sociology and its relationship with medicine and health. perhaps you would be surprised to see that what sociology has to do with the health and medicine, isn't it something that has to do with the biology, that has to do with the field of medicine? so sociology has so many important implications. With regards to our health behavior, with regards to our conception of health, and particularly with regards to the way we are viewing our complete or total health system. So, it seeks to understand the social factors that shape health and medicine, and it also examines the social, cultural, economic, and political factors that affect the health and हेल्थ केयर सिस्टम तो सोशॉलोज के लिए जैसे सोसाइटी के बाकी एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन है पोलिटिकल uh, इंस्टीट्यूशन है उसी तरह से हेल्थ केयर का इंस्टीट्यूशन भी उसके लिए उतना ही इम्पॉटेंट है ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सोशॉलोजी जो है वो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस करता है या उसके हवाले से जो है वो मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है या पर्टिकुलर uh, जो डिज़ीज़ होती हैं उसको डायग्नोज कर सकता है बल्कि सोशोलोजिस्ट का रोल जो होता है वो ये देखना होता है कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसे किसी इंडिविजुअल को ट्रीट करता है क्या उस हेल्थ सिस्टम के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हेल्थ की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो क्योर की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इक्वली अवेलेबल हैं सबके लिए अगर उसके अंदर पोटेंशियल इनक्वालिटीज़ पाई जाती हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर किस तरह से रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं इसी तरह से इसके साथ साथ इंटरेस्टिंगली वो पूरे हेल्थ सिस्टम का जायज़ा लेके ये भी देखता है कि ओवरऑल इंसान का दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़ किस तरह से इस सिस्टम में डेवलप होता है मिसाल के तौर पे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है पेशेंट्स का पेशेंट्स के साथ और डॉक्टर्स का डॉक्टर्स के साथ आपस में प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होता है और किस तरह से ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं या इनका जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है ये इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है वो किस तरह से इफेक्टिव साबित होता है सो ऑन द होल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट के आपके यहाँ जो भी हेल्थ सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उस हेल्थ सिस्टम के अंदर क्या स्ट्रक्चर है किस तरह का पैटर्न है और नेचर ऑफ रिलेशनशिप किस तरह की है सो इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स सच एज इनकम एजुकेशन जेंडर एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स तो जब हम सोशोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी हेल्थ केयर सिस्टम को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी हेल्थ केयर सिस्टम में भी जो है वो पोटेंशियल इनक्वालिटीज़ मौजूद हैं जैसे कि हम देखते हैं कि बाइफरकेटेड हेल्थ केयर सिस्टम है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेटर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं नस्बता उन लोगों के कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फिर इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ लोगों के हेल्थ के ऊपर जो नज़रियात हैं जो बिलीफ सिस्टम है और जो ओपिनियंस हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं सोशलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक सिंगल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है एक कॉस्मोपोलिटन हेल्थ केयर सिस्टम है और उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम भी मौजूद थे फिर इसके साथ साथ एक हीलिंग का जो स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी मौजूद है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के लोगों के हेल्थ के हवाले से अकायद क्या हैं और उन उन अकायद की उनकी प्रैक्टिसेस के अंदर रिफ्लेक्शन किस तरह की है सो इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू दैट यू नीड टू सी कि पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं जब बीमार होते हैं तो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना है क्या उन्होंने किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाना है किसी डॉक्टर के पास जाना है प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना है या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना है सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट हाओ पीपल आर डिसाइडिंग दैट टू होम दे शुड कंसल्ट वन दैट सिक